हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है जीपी टेक इंडिया चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करना छोड़ देंगे या फिर आपके रेडमी के फ़ोन के अंदर के सारे एड्स, सारी स्पैम ऐप्स और सारी परेशानी ख़त्म होगी। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके लिए ले आया हूँ जो स्पेशली जो रेडमी के फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए, जो ऐड से बहुत परेशान है या बहुत सारे ब्लॉटवेयर या स्पर्म एप्लीकेशंस एड्स आते रहते हैं। तो इन सारे परेशानियों के हल के लिए मैं कुछ आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ। और जो भी रेडमी के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आप बिल्कुल ज़रूर देखिए, ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो आप अपनी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस सेटिंग को चेंज करने के बाद आपका फ़ोन Xiaomi का, रेडमी का एकदम क्लीन हो जाएगा और सारे ऐड से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो सेटिंग है अपनी वो प्राइवेसी से रिलेटेड है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाइए। आप सेटिंग्स में जाने के बाद इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पर है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग्स जाएंगे, इसके अंदर आपको प्राइवेसी में जाना पड़ेगा, जो ऊपर लास्ट थर्ड पे है। आप प्राइवेसी में जाइए। जैसे आप प्राइवेसी में जाएंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एक शो पासवर्ड, यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम और सेंड डाटा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले आपको यूज़र एक्सपीरियंस को ऑफ कर दीजिए और डाटा ऑटोमेटिकली जो सेंड करता है इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। अब जैसे इन दोनों सेटिंग्स को आप ऑफ कर देंगे, आपको उसके नीचे ही ऐड सर्विस मिलेगा, इसको आप ओपन कीजिए। इसके अंदर जाना है। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पर पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशन दिया है, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगली अपनी सेटिंग्स है सिक्योरिटी, जो हर एक रेडमी Xiaomi ब्रांड के अंदर होती है ये एप्लीकेशन। ये एक्चुअली ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन यहाँ से आपका डेटा कलेक्ट करती है रिकमेंडेशन के नाम से। ये सारा Xiaomi को डेटा फॉरवर्ड करती है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको सिक्योरिटी को आप ऑन कीजिए। तो आप जैसे ही ऐप खोलेंगे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन को आपको ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है रिसीव रिकमेंडेशन। ये सबसे पहले आप इसको ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी सिक्योरिटी के अंदर आपको और एक ऑप्शन है, उसको भी आपको ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सिक्योरिटी में जाइए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेज। डेटा यूजेज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट डेटा यूजेज इन्फो। ये सारा आपका इन्फो आपको आपके मोबाइल से आपको Xiaomi को चला जाएगा। सबसे पहले अब इसको भी ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, Xiaomi के फ़ोन में सबसे ज़्यादा जो डेटा कलेक्ट करता है वो एप्लीकेशन है Mi Browser, कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इसको ओपन कीजिए। सभी रेडमी के फ़ोन में ये एप्लीकेशन होती है। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है Xiaomi का। आपको इस ब्राउज़र की सेटिंग्स को भी पूरी तरीके से डिसेबल करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके इसमें कुछ सेटिंग्स है जो डिफ़ॉल्ट आपको ऑफ करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड सर्विस एक ऑप्शन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। और ऑथोराइज्ड रिवोक यहाँ पे दिया है, ऑथोराइज्ड रिवोक, आप इसको भी ऑफ कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे इसका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो कट हो जाएगा और यहाँ पे इसको कुछ सेकंड्स चलेंगे, जिसको ये ऑफ़ करने के लिए ऑप्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप रिवोक कर दीजिए इसको, तो अभी ये रिवोक हो गया ऑथोराइज सेक्स। अभी इसके बाद ये Mi जो ब्राउज़र है Xiaomi का डिफ़ॉल्ट काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपके मोबाइल पर Xiaomi का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आप उसको चेंज करना है। फिर से आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पर सेकंड लाइन में देख सकते हैं मैनेज ऐप्स में, आप इसको ओपन कीजिए। आप जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको थ्री डॉट नज़र आएगा, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स नज़र आएगा, आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको अपना डिफ़ॉल्ट क्रोम है, आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अभी ये आपको परेशान नहीं करेगा। अभी Mi ब्राउज़र से आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो गया क्रोम, आप अभी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आप अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो अपने क्रोम एक्टिवेट कर लिया, इसके बावजूद भी आप कभी भी नीचे से आप स्वाइप करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ये जो Mi ब्राउज़र का ऐप है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया। तो आप इसको ऑटोमेटिकली, इसको और एक सेटिंग बाकी है तो आपको अंदर जाके दोबारा इसको डीएक्टिवेट, कम्प्लीटली डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप दोबारा सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर जाइए। इस पर जाने के बाद स्वाइप अप टू दी होम स्क्रीन, ये आप इसको ऑफ कर दीजिए।
तो ये कम्प्लीटली अभी ऑप्शन आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे स्वाइप साइड से आप इसको स्वाइप करते हैं तो इस तरीके के कुछ आपको आइकॉन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इन सारे आइकॉन को अगर ऑफ करना है आपको तो आपको दोबारा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे होम स्क्रीन का ऑप्शन जो है यहाँ पर, इस होम स्क्रीन में आप दोबारा जाइए, ऐप वॉल्ट यहाँ पे लिखा है, इसको आप इसको ऑफ कर दीजिए, इसको टर्न ऑफ कर दिया। अब इसको जैसे आप टर्न ऑफ कर दिया एकदम क्लीन इंटरफेस दिखेगा आपको भी। अभी आप स्वाइप अप कीजिए, ना तो मई ब्राउज़र ओपन होगा, या तो आप साइड से इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ पर भी आपको कुछ एड्स या कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी आप डायरेक्ट अपना क्रोम आप लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ से अभी डिफ़ॉल्ट लॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शाओमी किसी ना किसी तरीके से आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो अपने तरकीबें निकालते रहता है। तो आपको दूसरा आपको फिर दोबारा आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पर। अब जैसे होम स्क्रीन में जाएंगे, शो सजेशन, आप इस शो सजेशन को सबसे पहले ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि शाओमी किसी ना किसी तरीके से आपका डाटा लेने की कोशिश करते रहता है। आप इसको भी ऑफ़ रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा शाओमी कई बार आपको तरह तरह के एप्लीकेशंस आपको रिकमेंड करता है, तो उसको ऑफ़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स में जाना पड़ेगा। अब ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आप मैनेज ऐप्स को ओपन कीजिए और आपको फिर थ्री डॉट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दोबारा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ऑन है। सबसे पहले रिकमेंडेशन, आप इसको ऑफ़ करिए ताकि आपको जितने भी फालतू के अपने एप्लीकेशंस जो आपको रिकमेंड करता है शाओमी, वो सारे आपको बंद हो जाए। इसके लिए आप ये ऑफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफाई अबाउट अपडेट्स, जितने भी आपके ब्लॉटवेयर एप्लीकेशंस आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे फालतू में, आप इसको भी ऑफ़ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना जो अगला सेटिंग है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वॉलपेपर्स थीम्स जो शाओमी आपको पुश करता है उसके नीचे आपको एक छोटा सा लिंक नज़र आता है। वो लिंक आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होने के लिए थीम्स आपको वो एक तरीके का आपको एड्स देता पुश करते रहेगा शाओमी। तो अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलेंस फॉर मी, ये जो गैलेंस, आप इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर टर्न ये जो है ना ऑफ़ कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑफ़ कर देंगे जितने भी आपको वॉलपेपर्स वगैरह जो भी आपको एड्स मिलते रहते ये सारे बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप एड्स को देखते देखते गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आपको शाओमी एड्स देते देते कभी नहीं थकेगा, क्योंकि शाओमी की एक सेटिंग होती है। हर एक एप्लीकेशन के अंदर शाओमी के अंदर एक सेटिंग्स होती है जिससे वो आपको एडवर्टाइज एड पुश कर देता है। तो जैसे कि एग्जांपल, अभी हम चलते हैं थीम को, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसमें आना पड़ेगा सेटिंग्स में। आप इसको ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग के में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप रिकमेंडेशन, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ये हर एक एप्लीकेशन में आपको रिकमेंडेड करेगा कि आपको ऐड पुश करने के लिए, हर एक सेटिंग्स, हर एक एप्लीकेशन की शाओमी की सेटिंग्स में ये होती है ऑप्शन। अभी सेटिंग्स को थीम्स में अपने ऑफ़ कर दिया, अभी ना तो आपको एड्स दिखेंगे ना तो शाओमी आपका डेटा अभी कलेक्ट कर पाएगा। अपनी सेटिंग्स को ऑफ़ कर दीजिए बस। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आप जब कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो प्ले करने के समय आपको नीचे कुछ ऐड नज़र आएगा, वो एक्चुअली मी वीडियो के थ्रू से एड्स आते हैं, तो इसको भी डिजेबल करने का एक तरीका है। चलो अब हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मी वीडियो पर। मी वीडियो आप एप्लीकेशन ओपन कीजिए, उसके बाद आप जाइए प्रोफाइल पर। अब प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स, अब सेटिंग्स को आप ओपन कीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन रिकमेंडेशन, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ये दोनों को आप ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप दोनों को डिसेबल कर देंगे, और इसके बाद से आपको जो भी आप वीडियो प्ले करेंगे, आपको कोई भी शाओमी आपका ना तो डेटा लेगा ना तो आपको कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन ऐड नीचे देगा। फ्रेंड्स, और एक एप्लीकेशन है जो आपका डेटा कलेक्ट करती है और आपको ऐड देती है शाओमी के थ्रू से, ये है वो एप्लीकेशन म्यूज़िक प्लेयर, म्यूज़िक ऐप। आप इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ओपन कीजिए यहाँ पर सेटिंग्स, और यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एडवांस सेटिंग, आप इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर पहले आपको दिखाई देगा शो एड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं शो एड्स, इसको आप ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन है शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन सेटअप, इसको भी आप डिसेबल कर दीजिए। और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, आप इसको भी ऑफ कर दीजिए। तो ये सेटिंग्स आपके ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है। शाओमी कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से आपके जो भी डेटा है
वो लेकर ही रहेगा और लेने की कोशिश करते रहेगा, आपका डेटा चोरी करना और आपको ऐड पुश करते रहेगा। तो फ्रेंड्स अपनी जो अगली ऐप है वो है क्लीनर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लीनर, ये भी आपका डेटा कंज्यूम करती है और शाओमी को आगे बेचती है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। क्लीनर के अंदर जाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं रिसीव रिकमेंडेशन, आप इसको भी ऑफ कर दीजिए और इसके जितने भी आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स है आप इसको भी ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको ये ऑटोमेटिकली फिर जैसे अपडेट आएगा ये जो रिसीव रिकमेंडेशन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऑफ रखिए और इसके अपडेट ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आपको शाओमी बहुत सारे फाइल्स प्री इंस्टॉल्ड करके दे रहा होगा, देता होगा, तो आपको लगता होगा कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये लोग वहाँ कहीं ना कहीं से आपका डेटा आपको कंज्यूम करते हैं और आपको एड्स पुश करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए फाइल मैनेजर, अब फाइल मैनेजर में इसका क्या काम है यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। आप जैसे सेटिंग्स में जाएंगे आप यहाँ पर देखिए अबाउट सेक्शन, अबाउट में भी इन्होंने ऑप्शन दिया है रिकमेंडेशन का, अबाउट सेक्शन में भी यहाँ पर जिसका कुछ काम ही नहीं है। तो ये लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इसको ऑप्शन ऐसे देते के रिकमेंडेड करते कि आपके एप्लीकेशन इसके थ्रू आपको कुछ ऐड दिखा दिया जाए, आपको एडवर्टाइजमेंट पुश किया जाए, आपका डेटा यहाँ से ले सके। तो शाओमी कुछ ना कुछ करते रहता है हर एक एप्लीकेशन में, इतने सारे सेटिंग्स में कहीं ना कहीं उसके खुद की एक सेटिंग ऐसी होती है कि जिससे आपको एक ऐड पुश कर सके और इतना ब्लॉटवेयर देता है, तो इतना क्या बताया शाओमी का भी, शाओमी के सारे फ़ोन की यही हालत है। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल गया होगा कि शाओमी आपका डेटा किस तरीके से चोरी करता है और किस तरीके से आपका डेटा कंज्यूम करता है, किस तरीके से आपको ऐड पुश करता है, आप सारे चीज़ें समझ गएंगे। देखो अभी मैंने सारे चीज़ें निकाल दिया है, फिर साइड से आप स्वाइप कीजिए, डाउन से टॉप स्वाइप कीजिए, कहीं से भी कीजिए, सारे ऐड्स मैंने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिए सारे ऐड्स को अभी। तो अगर आप शाओमी का फ़ोन खरीदते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फ़ोन क्यों खरीदना चाहिए। तो अगर आप खरीदते हैं तो इतने सारे ऐड्स देती है शाओमी, तो और इस वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ मैं और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।